वीडियो पसंद आने पे लाइक कीजिए और इस रेड वाले बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल वाले आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनोज और सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत सारे कमेंट सेक्शन पे मुझे ये रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर, अगर मेरा चैनल अगर मैंने जो है आज से अगर क्रिएट किया और आज से अगर वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगा और अगर 365 दिन के अंदर अगर 4000 का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स ना पूरा हुआ तो मेरा चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन होगा या नहीं, या फिर मुझे न्यू चैनल बनाना पड़ेगा या फिर नया चैनल क्रिएट करना होगा और वो चैनल को डिलीट करना होगा। तो ये सारा कुछ डाउट फ्रेंड्स इस वीडियो पे मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ कि यूट्यूब का जो अपडेट था कि 4000 का घंटा वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर जो है आपको एक साल में पूरे करने हैं, वो एक साल 365 दिन वो आप लोग जो है गलत मेथड से उसको सोच लिए हो। वो एक्चुअली एक साल नहीं, वो आप 2 साल 5 साल 10 साल जब चाहो तब कंप्लीट कर सकते हो। तो वो कैसे, ये सारा डाउट मैं इस वीडियो पर आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोज इस चैनल पर हमेशा मिलती रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं यूट्यूब का जो अपडेट था कि 365 दिन के अंदर 4000 का घंटा वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करना है, वो 365 दिन के अंदर नहीं है, एक्चुअली वो लास्ट 365 दिन है। अब 365 दिन नहीं है, लास्ट 365 दिन है, इसका मतलब क्या हुआ? इसी को अगर आप परफेक्टली समझ जाओगे तो आप समझ जाओगे कि आप 5 साल 10 साल 20 साल जब चाहे तब उसको पूरा कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं 365 दिन नहीं है, वो लास्ट 365 दिन है। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि अगर आपका मान लीजिए यूट्यूब चैनल जो है आज आप क्रिएट करते हो, ठीक है, तो आज का डेट क्या है कि 20 अगस्त, ठीक है, 20 अगस्त 2018 को अगर आप अपना चैनल क्रिएट करते हो तो ये जरूरी नहीं है कि 20 अगस्त 2019 को आपका ये पूरा होना चाहिए और अगर नहीं हुआ तो आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज नहीं होगा। आपका अगर 365 दिन मतलब अगर आप 4000 घंटा वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स अगर आप करते हो 2022 में अगर कंप्लीट, तो वहाँ से लास्ट 365 दिन का अंदर में होना चाहिए। मतलब ये आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा वीडियो के माध्यम से, इसलिए मैंने जो है ये देखिए कलम और कागज़ सब कुछ मैं यहाँ रेडी रखा हूँ, तो मैं इसको डिटेल में आपको समझाता हूँ और आप एकदम परफेक्टली समझ जाओगे कि इसका मतलब क्या कहता है यूट्यूब और आप इसको 10 साल के अंदर भी पूरा कर सकते हो। और ये यूट्यूब का नया अपडेट नहीं है, ये अपडेट तो अभी था बट आप लोगों को समझ में नहीं आया था, इसलिए थंबनेल में मैंने लिखा है कि यूट्यूब का नया अपडेट एक साल में पूरा नहीं करना है, 10 साल में पूरा करना है। तो कैसे थी, चलिए मैं बताता हूँ आप कलम और कॉपी के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये आप देखिए, जैसा कि आप 20 अगस्त जो है आज का डेट 2018 में आप अपना चैनल क्रिएट किए, ठीक है, तो यहाँ से आप अगर काम करना स्टार्ट करते हो तो मान लीजिए 20 अगस्त 2019 आ गया, इसके बीच में जो है आपका 4000 वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर मान लीजिए पूरा नहीं हुआ, 4000 वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स पूरा नहीं हुआ, तो फ्रेंड्स आपको फिर क्या करना है कि आप यहाँ से फिर अगर नहीं हुआ तो फिर आप काम करते रहिए, ठीक है। तो मान लीजिए 2019 से फिर 2020 आ गया 20 अगस्त, यहाँ भी अगर आपका पूरा नहीं हुआ मान लीजिए तो फिर आपको काम करते रहना है। ये आपका बीच में जब भी 365 दिन का अंदर में लास्ट 365 दिन का बताया गया है, ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ पे पहुँच गए काम करते करते 2021 पहुँच गए, 8वां महीना 20 तारीख, ठीक है, और 2021 पहुँच गए, तो मान लीजिए यहाँ से अगर आपका पूरा हो गया मतलब कि यहाँ से लास्ट इधर से 365 दिन को पकड़ाएगा, जहाँ से आपका पूरा हो रहा है वहाँ से लास्ट 365 दिन, ना कि जब आप क्रिएट किए हो वहाँ से 365 दिन, ठीक है। इसी को आप लोगों को समझना है डिटेल में, तो मैं ट्राई आप लोगों को यही कर रहा हूँ कि समझा पाऊँ। अगर आप समझ जाओगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस टॉपिक में किसी ने वीडियो नहीं बनाया और ना ही किसी ने इस तरह से समझाया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए यहाँ से आपका मान लीजिए कंप्लीट हो गया, आपका 4000 का वॉच टाइम कंप्लीट हो गया यहाँ पे, तो मतलब क्या हुआ पता है फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक लास्ट 365 दिन में आपका हो गया है। यहाँ से मान लीजिए यहाँ से आपका आया था 10 घंटा का वॉच टाइम, मतलब 20 अगस्त 2020 में अगर मान लीजिए आपका 10 घंटा वॉच टाइम आया था, फिर कभी किसी दिन 20 घंटा का आया था, किसी दिन 50 घंटा का आया था, इसी तरह करके करके 4000 घंटा मान लीजिए 2020 से 2021 के बीच में 4000 घंटा का वॉच टाइम आ गया, ठीक है, 365 दिन का अंदर में, तो भी आपका चैनल उस टाइम अंडर रिव्यू में जाएगा और मोनेटाइज हो जाएगा। मतलब बीच में 365 दिन का अंदर में ही होना चाहिए। मान लीजिए अब यहाँ से मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपने आज चैनल जो है बनाया, आपने यहाँ से काम करना स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ से करते गए या 2019 इसी डेट में आ गए, ठीक है, ये सेम डेट 2019 में आ गए, तो यहाँ से आपका अगर पूरा नहीं हो रहा तो मान लीजिए कुछ एक घंटा यहाँ पर आया था, कभी 2 घंटा का वॉच टाइम आया था, कभी 5 घंटा का आया था, इस तरह करते करते क्या हुआ ना, यहाँ से आपका जो है 50 घंटा हुआ, मतलब 500 घंटा हो गया, मान लीजिए 4000 घंटा नहीं हुआ, 500 घंटा यहाँ से आपका हो गया, 500 आवर्स। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्या होगा, फिर 2019 का 20 तारीख जब आप 21 तारीख पहुँच जाओगे, 21 तारीख 2019, ठीक है, 8वां महीना,
तो क्या होगा कि इधर का एक तारीख वाला जो था 20 तारीख वाला, इधर वाला माइनस हो जाएगा और इधर वाला फिर ऐड हो जाएगा। कैसे? नहीं, ये पीछे से 365 डेज को ऐड करेगा, ठीक है। यहाँ से आप गिनिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 365 डेज हो जाएगा, तो 20 तारीख को छोड़ देने से यहाँ से 365 डेज हो जाएगा, जब आपका 21 इधर आ जाएगा, फिर यहाँ से आप 22 तारीख जब इधर हो जाएगा तो फिर यहाँ से जो है 21 वाला इधर वाला कट जाएगा, मतलब इधर से 365 होना चाहिए। जिस दिन आप जहाँ तक काम करते जाइए, मतलब ये हुआ कि आपका लास्ट से 365 डेज को पकड़ाता है, ना कि शुरू से। और यूट्यूब ने ये कहा है कि लास्ट 365 दिन में होना चाहिए, सिर्फ 365 दिन नहीं कहा है, तो ये आप लोग जो है गलत ठोक बैठा करके हो। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो इतना मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि आपका कभी भी पूरा हो जाए 4000 घंटा वॉच टाइम, कभी भी हो सकता है, ठीक है। आप अपना यूट्यूब पे सिर्फ ध्यान लगाकर काम करते रहिए, यूट्यूब का वो कहना नहीं है कि 365 दिन में होना चाहिए, आपका लास्ट 365 दिन में होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ इससे आप लोग जो है समझ में आ गई है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और आपको समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है कलम कॉपी से लिख करके। अगर समझ में आई तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।